कहा गया है कि घूरे के भी एक दिन फिरते हैं, यानी हम कहें कि वक्त बदलने में थोड़ा देर तो लगता ही है, लेकिन यहाँ जिस खबर की आज हम बात करने जा रहे हैं, जिसकी चर्चा करेंगे, उसके वक्त बदलने में सालों लग गए। हम गढ़वा मुख्य सड़क पर हैं, जिला मुख्यालय का सड़क है। अब हमारे पीछे देख रहे होंगे पुल है, जोड़ा पुल मझिया मोड़, जो गढ़वा शहर के लोग हैं, गढ़वा से जो लोग ताल्लुक रखते हैं, इस जोड़ा पुल से वो जरूर गुजरे होंगे। पहले जब गुजरते थे तो दोनों पुल शुरू था, उस समय आराम से लोग गुजर जाते थे, लेकिन जब से यह पुल एक तरफ का खराब हुआ, तब से लोग डरे सहमे ही यहाँ से गुजरा करते हैं। सालों से स्थिति है, ये कोई एक दो महीने की बात नहीं है, सालों से स्थिति आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक बोर्ड लगाया हुआ है, कार्यपालक प्रहिंदिका राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल मेदिनीनगर, लिखा हुआ है सावधान, अति आवश्यक सूचना, आगे पुल क्षतिग्रस्त है, भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित है। यहाँ पर कई बार लगाया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर डेंजर लिखा हुआ है अंग्रेजी में, इसलिए लगाया गया था गाड़ी न गुजरे, लेकिन कई बार गाड़ी यहाँ से गुजरी और पोल टूटता रहा। स्थिति कई सालों से बना हुआ है, यहाँ पर इक्का दुक्का जो छोटी गाड़ियां हैं गुजरा करती हैं, बड़ी वाहनों का प्रवेश यहाँ से वर्जित है। मझिया मोड़ का पुल है, आपको दिखाना चाहेंगे, जब यह पुल बना होगा उसके बाद से कई सालों तक के पुल की स्थिति ठीक रही यहाँ पर, लेकिन उसके बाद जब यह पुल की स्थिति खराब हुई, सड़कें हर जगह बन जाती है। यहाँ पर हमको बोलना जरूरी है कि सड़कें हर जगह बन जाती हैं, लेकिन पुल नहीं बन पाता है। न जाने यहाँ पर आकर के अड़चन क्या हो जाता है कि पुल बनने का मार्ग प्रशस्त नहीं हो पाता है। यह पुल हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर कि गाड़ियां आ रही हैं, आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी वाहनें उधर से गुजरा करती हैं, जो पुल अभी ठीक है, लेकिन लोग यही सोचते हैं कि अगर जल्द से पुल या नहीं बना तो कहीं वह उधर से जाने का जो रास्ता है जोड़ा पुल का, एक तो बंद ही हो गया है, दूसरे तरफ से वह भी कहीं अगर बंद हो गया तो पुल से आवाजाही पूरी तरह से, बड़ी वाहनों का प्रवेश यहाँ पर वर्जित हो जाएगा, रोक लगा दिया जाएगा। और साथ ही हम यह भी कहें कि गढ़वा जिला मुख्यालय से या जो गढ़वा जिला है, तीन प्रदेशों से घिरा हुआ है, बिहार है, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, तीनों राज्यों से वाहन यहाँ पर आते हैं, सैकड़ों वाहन सुबह से लेकर देर रात तक सैकड़ों वाहन यहाँ से गुजरा करते हैं। पुल पर सबसे अधिक दबाव रहता है, तीनों प्रदेशों की गाड़ियां यहाँ से गुजरा करती हैं, इसलिए इस पुल पर ज्यादा दबाव रहता है, इसी कारण है कि पुल जल्दी खराब हुआ, लेकिन बन अभी तक नहीं सका, लेकिन अब जाकर के इस पुल बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ है, पुल अब बनने जा रहा है। इस पुल के नहीं बनने से, इस पुल के जोड़ा पुल कहने को, पहले कि एक तरफ जब पुल खराब हो गया, दूसरी तरफ से आवाजाही हो रही है, तो कितनी परेशानी होती है इस पुल से गुजरने में लोगों को। साथ ही हम यह भी बता दें कि इसी पुल के कारण जब एक तरफ से आवाजाही, एक तरफ से गाड़ी आना भी है, उसी तरफ से जाना भी है, तो सड़क जाम की स्थिति बन रही थी। गढ़वा का जाम भी पूरी तरह से आम है, गढ़वा के जाम से हर लोग यहाँ अहले सुबह से देर रात तक दो चार हुआ करते हैं। जो लोग बाहर से आते हैं, गढ़वा शहर में पहली बार आते हैं, वह भी जाम में परेशान होकर आजीज हो जाया करते हैं। वो भी कहते हैं कि हम लोग जब भी यहाँ से गुजरते हैं, या तो सुबह गुजरे, दोपहर गुजरे, रात गुजरे, जाम में फंस जाते हैं। तो उसका कारण यही मझिया मोड़ का पुल है। अब इस पुल पर गुजरने से क्या परेशानी होती है, किस तरह का डर बना रहता है, आइए आपको हम सुनाते हैं समाजसेवी सब वर्तमान विधायक के जो प्रतिनिधि हैं, कंचन साहू ने क्या कहा, किस तरह परेशानी होती है, सुनिए। साथ ही यह पुल बनने जो जा रहा है, इसका जो मार्ग बनने का प्रशस्त हुआ है, उसके बाबत भी सुन लीजिए वो क्या कहते हैं। देखिए, अंग्रेज के जमाने का पुल था और आबादी बढ़ते गया और भारी ट्रकों का आवागमन बढ़ा, तो इस पुल की क्षमता जो थी वो कुछ कम हुई और पथ निर्माण विभाग के द्वारा विगत 3-4 सालों से, लगभग 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, उसको परित्यक्त पुल के रूप में घोषित किया और उसको ब्रैकेटिंग करके भारी वाहनों का आवागमन खत्म कर दिया था। एक बगल में पुल है, लेकिन उसका सबसे बड़ा समस्या है कि पुल आगे जाकर के थोड़ा कटिंग टाइप का है, इसके चलते हमेशा वहाँ पर जाम की स्थिति बनी रहती है। और यह पुल अगर सही था तो उस समय सीधा आवागमन था, टू वे पुल था। इस समस्या को माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी ने कोरोना काल के दौरान ही अपने कार्यभार संभालने के बाद इस पुल को अपनी प्राथमिक समस्याओं में रखा था शहर का,
और कोरोना काल के दौरान इसका सॉइल टेस्टिंग भी किया था, और सॉइल टेस्टिंग के बाद वैज्ञानिक तरीके से जो भी जांच पड़ताल होता है उसको पूर्णता कर दिया गया है, और इसका DPR वगैरह सब तैयार है, और बहुत जल्द हमें लगता है कि 2022 पार नहीं होगा इस पुल का निर्माण पूर्ण हो जाएगा। और इस पुल का निर्माण शहर की खूबसूरती के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी बाईपास का समस्या है, बाईपास जब चालू हो जाएगा तो भारी वाहनों का आवागमन समाप्त हो जाएगा, उसके कारण अभी जो शहर का एकमात्र लाइफलाइन है जो मेन रोड, उसी से पूरे तीनों क्षेत्र के लोगों का, तीनों जैसे उत्तर प्रदेश, यूपी, छत्तीसगढ़, बिहार, तीनों सीमाओं का परिचालन इसी शहर से होता है, और भारी वाहन से लेकर के बड़े बड़े बसों का भी आवागमन होता है। उसमें शहरी क्षेत्र में पार्किंग की समस्या के कारण लोग यत्र तत्र अपनी बाइक और कार को लगा लेते हैं, तो 24 घंटा में कम से कम 18 घंटे इस पुल के कारण भी जाम की स्थिति बनी रहती है। तो सिर्फ एक पुल का जो निर्माण बहुत जल्द होने वाला है उससे गढ़वा की खूबसूरती के साथ साथ गढ़वा का यातायात का परिचालन भी सुलभ होगा और स्थानीय लोगों को बहुत इससे राहत मिलेगा। तो आपने कंचन साहू की बातों को सुना कि यहाँ से पुल पर से लोग गुजरने में बहुत तरह परेशानी का सामना करना पड़ता है उनको, जब गुजरते हैं तो डर भी बना रहता है, लेकिन अब यह पुल बनेगा, एक नए तरीके से बनेगा, भव्य पुल बनेगा, और संभावना है कि जिस तरह आप देखे होंगे कि आप जब कल्याणपुर जाते हैं उधर हेलीपैड की ओर जाते हैं तो देखे होंगे पुल कितना अच्छा बना हो, उसी तरह का पुल यह भी बनेगा। और साथ ही बता दें कि इस बाबत, इस पुल के बनने के बाबत हमारी बात पथ प्रमंडल के जो कार्यपालक अभियंता है प्रदीप कुमार जी, उनका उनसे भी हमारी बात हुई, वो क्या कहते हैं आप सुन लीजिए। गढ़वा शहर के बीचों बीच में जोड़ा पुल के नाम से जाना जाता है, जो कि जिसमें एक पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त अवस्था में, जिसपे यातायात को बंद कर दिया गया है, और एक ही पुल से अभी वर्तमान में यातायात को छोड़ा जाता है, जिससे भारी जाम की समस्या लगातार उत्पन्न होती है और गढ़वा जिलों को इस समस्या से दो चार लगातार होना पड़ता है। वर्तमान में पथ निर्माण विभाग झारखंड सरकार द्वारा सरस्वतिया नदी के जो क्षतिग्रस्त पुल है उसके निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है 2,60,00,000 रुपए की, जिसे निविदा करके निस्तारीकृत करके और काम अवार्ड कर दिया गया है, और जल्द ही वर्षा के बाद काम उस पे स्टार्ट कराया जाएगा। तो आपने कार्यपालक अभियंता प्रदीप कुमार की बातों को सुना, उन्होंने कहा कि पुल बनने जा रहा है, अब बहुत अच्छा पुल बनेगा जिससे लोगों की परेशानी जो है, सालों की परेशानी, वह दूर हो जाएगी, तो एक बहुत अच्छी खबर है, जरूरी है पहल, यह पुल बनने जा रहा है अब। और जिस तरह सालों से लोग इस पुल के कारण परेशान हैं, अजीज हैं, लगातार जाम में फंसते हैं, अब वह पुल बन जाएगा, यानी मझिया मोड़ का जो जोड़ा पुल था जो एक तरफ से खराब हो चुका है, एक तरफ से ही आवाजाही हो रही है, अब लोगों को इस परेशानी से निजात मिलेगी। कैमरामैन रोशन राज के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा।